ये शक्ल जो है ना, मैं दिखाने का लायक नहीं हूँ, पता है मुझे, पर मैं दिखा क्यों रहा हूँ मैम। तो अभी का सीन क्या है गाइस, मैं आपसे आई टू आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ पिछले एक महीने से, मतलब कि लगभग 14 से 20 दिन हो चुका है गाइस मैंने ब्लॉग नहीं डाला है। एंड ये जो अभी आप ब्लॉग देखने वाले ना आगे, ये ब्लॉग जो है शूट किया था 31 जनवरी को, जब हम KTM 6 में से राइड ऑर्गेनाइज किया था ना, तो वहाँ से हम जब राइड गए थे, वो वाला राइड है मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और आज है 13 मार्च, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। तो वही कुछ सीन है मैम, चलिए आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो यही कुछ कहना था एंड सॉरी फॉर द लेट ब्लॉग। यहाँ पे जो राइड है ना, वो शुरू हो रहा है 9:30 को, और मुझे इतना गंदा वाला नींद आ रहा है ना, अभी एनर्जी है ही नहीं। तेरे को नींद लग रही है? तेरे को लेने गया मैं 6:30 बजे, मैं गया इसको लेने 6:30 बजे, पर इसने मुझे रुकाया पूरा 1 घंटा। एंड यहाँ पे जो है ना, रियल बाइक का लाइनअप देखो, मैं यहाँ से लेके वो जो व्हाइट कार देख रहे हो ना, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या चीर फाड़ के तो निकला हूँ ना। एक्चुअली सीन क्या है गाइस, तन्नु को मैंने कहा था कि मैं 6:30 बजे घर से निकल चुका हूँ, पर मैं निकला बहुत लेट एंड इसलिए मुझे फाड़ना पड़ा। उसको कहा मैंने 6:30 बजे मैं घर से निकला एंड अभी जो है ना 7:40 हो चुका है। लड़की बुम्बर गुस्से में है रे, क्या करे तू, मैं 6:30 बजे से आके बैठा हूँ, दिमाग खराब मत कर मेरा। आज तेरा ना मैं क्या मुंडी उखाड़ूंगा ना तेरे मौक, क्या हो गया, पैदा से अच्छा हूँ मैं। जल्दी कर, बहुत लेट हो गया। देख 8 बजे वहाँ पहुँचना है, 10 मिनट है, 10 मिनट में कैसे पहुँचेंगे, इतना लेट करती है। मैं 6:30 बजे से आके रुका हूँ यहाँ पे, हैं देखो गाइस, लड़की का चक्कर में पड़ोगे ना ऐसे होगा आपका लाइफ। चलो तो गाइस, तो तन्नू को पिक कर लिया एंड अभी जा रहे हैं हम लोग मेन लोकेशन पे। तो आज का जो राइड होने वाला ना, वो होने वाला है गोरचुक से लेके PRP वैली तक। तो मतलब कि बाकी का सीन जो है ना, पहले लोकेशन पे पहुंच के बताता हूँ मैं, 8 बजे लोकेशन पे पहुंचना है। और यहाँ पे जो है अभी देखो 7:52 हो चुका है, मतलब कि 8 मिनट है हमारे पास। तो चलो मैं जल्द से जल्द पहुँचता हूँ एंड वहाँ पे जाके जो है बाकी की कहानी हम आप लोगों को बताते हैं, समझ रहे हो। लेट्स गो मैन। तो हम लोग जो है ना शोरूम पहुंच चुके हैं, मतलब कि 8:30 बजे, 8:10 या 8:20 हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और मतलब कि 9 बज चुके हैं अभी एंड यहाँ पे जो राइड है ना, वो शुरू हो रहा है 9:30 को, समझ रहे हो। मुझे इतना गंदा वाला नींद आ रहा है ना, क्या ही बता कुछ नहीं सकते, अभी एनर्जी है ही नहीं। तेरे को नींद लग रही है? तेरे को लेने गया मैं 6:30 बजे, मैं गया इसको लेने 6:30 बजे, पर इसने मुझे रुकाया पूरा 1 घंटा। सच्ची बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, सच में बोल रहा हूँ, मैं 6:30 बजे लेने गया था। ये लड़की राइड में जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो गया मारे ना गाइस, सुबह 5 बजे उठी, जबकि घूमने कभी चल मेरे से निकल कुछ काम में बना से तब क्यों 11 बजे उठती है, लेकिन आज राइड में जाने वाले 5 बजे उठी थी, उठ के रेडी होकर मेरे को मैसेज दे दिया। अभी हम लोग रुक रहे हैं ना सबके लिए। सीन क्या है गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं एंड 6 माइल वाले KTM शोरूम में। एक्चुअली सीन क्या है गाइस, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हमने जो है ना अपना बीस का जो है फर्स्ट सर्विसिंग कर लिया एंड फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो है ना राइड जाने में बहुत ही मतलब तलब हो रहा था, समझ रहे हो। पिछले 2 दिन से मैं मतलब ऐसे बैठा हुआ घर पे, तो संडे के लिए रुक रहा था एंड ऑल्सो हमारे जो ग्रुप है ना, स्टाफ ग्रुप, तो उन लोग जो है ना राइड पे नहीं जा रहे हैं इस संडे भी, तो उन लोग नेक्स्ट संडे जाएंगे प्रॉब्ली। KTM 6 मेल की तरफ से जो है ना गाइस, हमें मिला था इनविटेशन फॉर दिस राइड, तो हमने कहा कि क्यों ना इसको ज्वाइन किया जाए एंड फर्स्ट सर्विसिंग होने का मज़ा लिया जाए। लेकिन जो भी बोलो, ऐसे मतलब अननोन ग्रुप्स के साथ से अच्छा ना गाइस, तो अपना ग्रुप जो होता है उसके साथ राइड करने का अलग फील रहता है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करते हो रादर देन राइडिंग विद द न्यू राइडर्स, यू नो। Touch me no more.
गाइस, तो अभी जो है ना हम लोग आ चुके हैं KTM 6 मेल में। अभी पहले थे ना KTM गुड़चुक में थे, एंड यहाँ पे जो है ना रियल बाइक का लाइनअप देखो। मैं कम से कम यहाँ से लेके जो है ना, कम से कम नहीं, यहाँ से लेके वो जो व्हाइट कार देख रहे हो ना, वहाँ तक पूरा बाइक ही बाइक है मैन, ऑल द KTM बाइक्स। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कब शुरू होता है अपना लाइनअप। लाइनअप तो हो चुका है, एंड यहाँ से राइट कब फ्लैग अप होगा, एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? PRP वैली। चलो मैन, तो हमारा फाइनल राइड जो है ना वो शुरू होता है, एंड अब जाके जो है ना हम अपना इंट्रो भी देंगे मैन। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स बेबी। तो ये जो है ना हमारा फर्स्ट राइड है गाइस हमारे गोकू पे, एंड थोड़ा सा राइड का फील लेंगे। इतना दूर तो है ना, इट्स अराउंड लगभग 30 किलोमीटर जितना होगा यहाँ से, फिर भी फील लेना जरूरी है मैन। ओ सब चारों ओर KTM ही KTM, किसी का एग्जॉस्ट है किसी का नहीं है। भाई मुझे ये सब देख के ना मुझे भी अभी एग्जॉस्ट लगाने का मन कर रहा है यार। मैं ना सोच रहा हूँ कि अपना जो एग्जॉस्ट है ना उसको निकाल दूँ, एंड बिना एग्जॉस्ट का मतलब घूमते रहूँ, समझ रहे हो। तो उसमें भी बहुत साउंड आता है, या तो स्लिप ऑन लगाओ, दोनों में से कुछ एक तो करना पड़ेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या करना चाहिए, ज़रूर बताना। क्या जे कर रहे हैं ये छपरी लोग, क्या ही बताएं मैन। इन्हीं लोग जो है ना हम जैसे KTM बाइक का बदनाम करके रख दिया मैन। देखो भाई, रोड में आप बाइक चला रहे हो तो इतना ध्यान रखो कि आप अच्छे से चलाओ, एंड आप पीछे जिसको बिठा के चला रहे हो ना उसको भी घर सेफ पहुंचाओ मैन। ये सब देखने से ना मेरा मुंडी गर्म हो जाता है मैन। ओके, तो यहाँ पे है रास्ते खराब, आई गेस कोई किसी को नहीं रुका सकता, रास्ता ने हम लोगों को रुकाया है। नो एंट्री मैन एट वर्क PWRD। अच्छा नो एंट्री, तो फिर हम लोग कैसे एंट्री कर रहे हैं भाई लोग। हैवी पीस। नो नो रश राइडिंग मैन प्लीज। ओके गाइस, तो अभी हाईवे से ऐसे थोड़े ऑफ रोडिंग वाले पैच में आ चुके हैं, एंड हमारा डेस्टिनेशन जो है ना हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। इट्स अराउंड और 5 या 6 किलोमीटर जितना होगा, एंड भाई ऑफ रोडिंग में भी इतना फील नहीं हो रहा है भाई, बहुत ही ऑफ रोडिंग कहते हैं, रोड अच्छा आ गया। वाह वाह मोदी जी वाह। धूल की मिट्टी, धूल में पहुंच गए। ओके गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रहा था, जैसे कि टाइम ट्रेवल हो गया वो सब हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग बैठ रहे थे और रुक रहे थे कि भाई खाना कब देंगे। क्योंकि हमें जो है ना बहुत ही भूख लगा था, तो खाने में बहुत सारा आइटम था गाइस, मतलब कि बुफे सिस्टम था। तो हम लोग ने ठीक से दबा के खाया, चिकन बटर मसाला और रोटी और राइस ठीक से दबा के खाया। तन्नू ने तो दो तीन बार लिया पुलाव, और क्या लिया। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, राजदा को ढूंढेंगे, एंड राजदा को बोलेंगे कि हम लोग खाना पीना हो चुका है, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। है कि नहीं, क्योंकि हम लोग मेन खाने के लिए रुक रहे थे गाइस। चलो गाइस, हम लोगों ने दबा के खाया, अब दबा के घर जाएंगे। तो चूर मिलने का फायदा क्या, हेलमेट तो लगाएगी। Let's go man, let's go. Okay guys, तो अभी का सीन क्या है, आज का राइड तो बहुत ही खूबसूरत था, सबसे खूबसूरत। अरे भाई रुका, जाने दे। सबसे खूबसूरत मैं थी, बोले तन्नू कह रही है। सबसे हैंडसम मैं था, लोकेशन भी जो है ना बहुत ही बढ़िया था, क्या बोलते तन्नू। पीसफुल था लोकेशन, पीसफुल था, बहुत ही अच्छा था, एंड हाँ
सबसे अच्छा तो खाना था मैन वही कुछ सीन है। तो अभी का सीन क्या है गाइस, जल्द से जल्द जाना है घर, मुझे घर पे जाकर ड्रेसअप चेंज करना है एंड उसके बाद जो है ना तन्नू के फैमिली के साथ मुझे जाना है ब्रह्मपुत्र कार्निवल। तो वही कुछ सीन है मैन। आज के ब्लॉग में इतना रखते हैं गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड कमेंट करेगा। और रास्ते देखो मैन, रास्ते मन के अच्छे सस्ते नहीं है बच्चे। लेट्स गो। कहाँ तेरा भाई, हाथ दिखा, हाथ दिखा भाई, बोल तन्नू भाई बोल। हाँ तो तन्नू की तरफ से बाय बाय। चलो मैन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग बेबी बाय। ऐसा करना करता है, करना ऐसा नहीं ऐसा।